ये जो आप सामने खराब ब्रेड देख रहे हैं, या फिर ये पेनिसिलिन एंटीबायोटिक देख रहे हैं, या फिर ये जो ग्राफ्स पर स्प्रे की जा रही है, ये सारी चीज़ें मुमकिन है फंगाई की वजह से। फंगाई जो है यूकेरोटिक होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। यूकेरोटिक जिसका मतलब है ट्रियो न्यूक्लियस, यानी कि फंगाई में ट्रियो न्यूक्लियस होता है। वैसे यूकेरोटिक और प्रोकेरोटिक पे मैं एक लेक्चर बना चुका हूँ, मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। फंगाई उसके अलावा नॉन वेस्कुलर होते हैं, यानी कि इनमें कोई ब्लड वेसल्स नहीं होती। फंगाई नॉन मोटाइल होते हैं, यानी कि एक ही जगह पे खड़े होते हैं, मूव नहीं करते जैसे प्लांट्स होते हैं। फंगाई जो है हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि अपना फूड जो है सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं बना सकते जैसे प्लांट्स बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर बेल के बटन पर टिक करें, ताकि मैं जब भी न्यू लेक्चर अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए। इस लेक्चर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि फंगाई क्या है, उसके बाद फंगाई की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, उसके बाद फंगाई के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो पढ़ेंगे, फिर हम फंगाई की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके बाद फंगाई की रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे और लास्ट में हम फंगाई के जो यूजेज़ हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले फंगाई पे कि फंगाई क्या है। स्टूडेंट्स, जो फंगाई होते हैं वो ज़्यादातर फिलामेंटस स्ट्रक्चर में होते हैं, एक्सेप्ट यीस्ट सेल के अलावा बाकी जो भी दुनिया में फंगाई होती हैं ज़्यादातर फिलामेंट की फॉर्म में होती हैं। दूसरी बात जो है, फंगाई जो हैं वो या तो सिंगल सेल होते हैं ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेलर होते हैं, यानी कि दोनों हो सकते हैं। तीसरी जो चीज़ है, जो फंगाई है उसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम हाइफी कहते हैं। जो चौथी बात है फंगाई के बारे में, फंगाई में सेल वॉल होती है और जो फंगाई की सेल वॉल होती है जिन चीज़ों की बनी होती है वो है काइटिन एंड पॉलीसेक्राइड्स। लास्ट जो बात है फंगाई के बारे में, फंगाई का जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर मेम्ब्रेन होती है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम फंगाई की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये फंगाई की स्ट्रक्चर है। इसमें ये जो गोल टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हैं फंगाई में, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, ये जो साइड में आप देख रहे हैं, और ये जो आप फिलामेंट, ये लंबी फिलामेंट देख रहे हैं, ये जो फिलामेंटस स्ट्रक्चर है इसको हम हाइफी कहते हैं। पीछे मैंने आपको बताया कि जो फंगाई होते हैं उनमें हाइफी होती है, और ये जो नीचे रूट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इनको हम राइजोइड कहते हैं। अब हम फंगाई के करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। फंगाई जो है यूकेरोटिक होते हैं, नॉन वेस्कुलर होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं और हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये चारों चीज़ें क्या हैं अभी पीछे मैं बता चुका हूँ। स्टूडेंट्स, जो फंगाई होते हैं वो या तो यूनिसेलुलर होते हैं या फिलामेंट के फॉर्म में होते हैं, और फिलामेंट मैंने आपको बताया उसको हम हाइफी कहते हैं। स्टूडेंट्स, जो फंगाई होती है वो स्पोर्स के ज़रिए रिप्रोडक्शन करती है। फंगाई में कोई क्लोरोफिल नहीं होता जैसे प्लांट्स में होता है, इसीलिए फंगाई फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकती। फंगाई जो है अपना फूड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फंगाई के जो न्यूक्लियस होते हैं उनकी जो न्यूक्लाई होती है वो बहुत छोटे होते हैं, वेरी स्मॉल। फंगाई का जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअल भी होता है, एसेक्सुअल भी होता है, यानी कि फंगाई दोनों तरीक़ों से रिप्रोडक्शन कर सकता है। हम पढ़ते हैं फंगाई की क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, जो फंगाई की क्लासिफिकेशन है वो अलग अलग तरीक़ों से की जाती है। यहाँ पे हम जो फंगाई की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के मोड के हिसाब से हम इनकी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सबसे पहली जो क्लासिफिकेशन है वो है सेप्रोफाइटिक, दूसरी है पैरासाइटिक और तीसरी है सिम्बायोटिक। तो एक एक करके तीनों पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, जो सेप्रोफाइटिक क्लासिफिकेशन होती है फंगाई की, ये वो फंगाई होती है जो अपना खाना डेड ऑर्गेनिज्म से हासिल करते हैं। वो डेड ऑर्गेनिज्म प्लांट्स भी हो सकते हैं और एनिमल्स भी हो सकते हैं। इनके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इनमें पेनिसिलियम और एस्परगिलस ये एग्जाम्पल आ जाते हैं। अब आते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे, वो है पैरासाइटिक फंगाई। पैरासाइटिक फंगाई वो फंगाई होती है जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहती हैं, उनको हार्म करके उनसे अपना खाना हासिल करते हैं।
इनके एग्जाम्पल हैं कैंडिडा, जेनस जो भी होता है वो आ जाता है इसमें। तीसरी जो क्लासिफिकेशन है फंगाई की वो है सिम्बायोटिक फंगाई। सिम्बायोटिक फंगाई वो फंगाई होती है जिसमें फंगाई जो है दूसरी स्पीशीज़ के साथ एक रिलेशनशिप बना लेती है। उस रिलेशनशिप में क्या होता है, वो दोनों स्पीशीज़ यानी कि फंगाई और जो दूसरी स्पीशी है एक दूसरे से फ़ायदा हासिल करते हैं। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम सिम्बायोटिक फंगाई कहते हैं। इनके एग्जाम्पल की बात करें तो लाइकेंस और माइकोराइजी आ जाती हैं। अब ये दोनों चीज़ें क्या हैं अभी बताता हूँ। स्टूडेंट्स, जो लाइकेन रिलेशनशिप होता है वो फंगाई और अल्जी के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, फंगाई अल्जी को शेल्टर प्रोवाइड करती है और उसके बदले में अल्जी जो है फंगाई को फूड प्रोवाइड करती है। दूसरी जो रिलेशनशिप है सिम्बायोटिक क्लासिफिकेशन में वो है माइकोराइजी। माइकोराइजी में क्या होता है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो फंगाई और प्लांट्स के बीच में होता है। इसमें क्या होता है, फंगाई जो है प्लांट्स को न्यूट्रिएंट अपटेक में हेल्प करता है, उसके बदले में प्लांट्स फंगाई को फूड प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हम रिप्रोडक्शन इन फंगाई। स्टूडेंट्स, फंगाई में तीन टाइप की रिप्रोडक्शन होती है। नंबर वन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर टू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर थ्री सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होती है वो बडिंग, फिशन और फ्रेगमेंटेशन, इन तीन तरीकों से होती है। और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो उसमें फंगाई स्पोर्स प्रोड्यूस करती है, उसके ज़रिए रिप्रोडक्शन होती है। तीसरी जो रिप्रोडक्शन है वो होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें फंगाई की जो हाइफी होती है वो फ्यूज़ हो जाती है, उस तरह फंगाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। अब आते हैं हम फंगाई के यूजेस पे। वैसे तो फंगाई के बहुत सारे यूजेस हैं, यहाँ पर हम मेन यूजेस पढ़ेंगे। फंगाई जो है फूड प्रिपरेशन में हेल्प आती है और फंगाई से हम पेस्ट कंट्रोल भी बनाते हैं, जैसे शुरू में मैंने आपको बताया क्राफ्ट पर पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करके, तो वो पेस्टिसाइड्स जो ही हम फंगाई से बनाते हैं। इसी फंगाई से हम सिट्रिक एसिड भी बना सकते हैं, एंटीबायोटिक भी बनाते हैं और ह्यूमन हार्मोन्स भी बनाते हैं। ये सारे फंगाई के यूजेस हैं। फ्रेंड्स, आज का सवाल है कि फिलामेंटस स्ट्रक्चर ऑफ फंगाई को हम क्या कहते हैं, जिनको जवाब आता है नीचे कमेंट में बता सकता है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आप मेरे दूसरे लेक्चर पढ़ना चाहते हैं जैसे लंग्स के बारे में, किडनी के बारे में, लिवर के बारे में, ब्रेन के बारे में, आई के बारे में, तो आप मेरे चैनल पर जाएँ और चैनल के अंदर आप मेरे दूसरी वीडियोज़ देखें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।